गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज तारीख है 29/6/2023, दिन है आपका आज बृहस्पतिवार। इसका ब्लॉग स्टार्ट है, पार्किंग में आ चुके हैं, देख सकते हैं हमारे पीछे पार्किंग है और अभी पिकअप आया नहीं है, आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी जैसे ही आता है जाते हैं, लोड कराते हैं गाड़ी, बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ख़राब मौसम है और बारिश हो रही है सुबह से, और पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बरसात में अधिकतर बंदे माल नहीं बेचते हैं। वेट कर रहे हैं और आता है तो जाते हैं, और अभी फिलहाल पार्किंग में ही बैठे हुए हैं, देख सकते हैं पीछे पार्किंग। ठीक है, फिर आता है तो जाते हैं। अब आ गया है और लोड कर ली हमने गाड़ी, गांधीनगर से सेक्टर 4 नोएडा जाना है, और निकल चुके हैं, लोड हो गई है गाड़ी और जाता हूँ। गांधीनगर रोड, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पे हैं हम, और निकल चुके हैं सेक्टर 4 नोएडा के लिए। यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, हमारी पार्किंग में हो रही थी बारिश, यहाँ तो हम थोड़ा ठीक ठाक है, पर हो जाएगी बारिश भी पता नहीं। कॉलोनी पे ये सहारनपुर फ्लाईओवर जो काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, देख सकते हैं लगभग ये 6 महीने में कंप्लीट कर देंगे। ITO फ्लाईओवर पहुँच चुके हैं, ऊपर फ्लाईओवर है हमारे और नीचे में जाना है, इसके बाद अक्षरधाम फ्लाईओवर आएगा। मौसम यहाँ धूप निकल चुकी है अक्षरधाम की साइड, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। अक्षरधाम फ्लाईओवर नीचे रेलवे की लाइन है, देखते हैं। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये रेलवे की लाइन, ये है फ्लाईओवर, फ्लाईओवर फेज 3 न्यूयॉर्क, ये फ्लाईओवर है और सामने मेट्रो का वो है, दिखाता हूँ आपको। ये मेट्रो स्टेशन है मयूर विहार का, ये फ्लाईओवर नोएडा और दिल्ली को जोड़ने का काम करता है। हम दिल्ली से एंट्री मारेंगे नोएडा में, और उधर से बंदे जो आएंगे नोएडा से दिल्ली, ये फ्लाईओवर है, सीधा ये नोएडा में उतरता है, नोएडा में एंट्री कर रहे हैं हम। ये नोएडा का बोर्ड देख रहे हैं आप, नोएडा में आपका हार्दिक स्वागत है, और हम नोएडा पहुंच गए हैं। अभी हम सेक्टर 4 के लिए निकलेंगे, यहाँ से आगे से लेफ्ट होना है हमें सेक्टर 4 के लिए। ये हम हो गए हैं लेफ्ट, पहुंच चुके हैं, और देख सकते हैं एक रोल लेके आए हैं गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी में एक रोल आया है, होगा कोई अर्जेंट, हमें क्या करना है, हमें क्या मतलब है। और पहुंच चुके हैं, दिखाता हूँ बिल्डिंग आपको, बिल्डिंग है सेक्टर 4 नोएडा, यहीं पे उतरेगा माल, लड़का आ रहा है अभी उतारेगा। ठीक है, दूसरा पिकअप का इंतजार करते हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी पिकअप उठाने आ गए हैं और पिकअप पहुँच चुके हैं, गाड़ी लोड हो रही है, दिखाता हूँ आपको। सेक्टर 9 नोएडा से जाना है गाजियाबाद राजनगर स्टेशन, सीटें लोड हो रही हैं गाड़ी में, देख सकते हैं। ठीक है, लोड कराते हैं, निकलते हैं, गाड़ी लोड करा के निकल चुके हैं, जाना है राजनगर स्टेशन गाजियाबाद।
नोएडा सेक्टर 58 पहुंच चुके हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पहुंच चुके हैं। राजनगर स्टेशन यहाँ से 6 किलोमीटर भी है। मेरठ वाला ये रोड जो जा रहा है इससे पकड़ से निकलेंगे। रोड है ये राजनगर स्टेशन का। सीएनजी पंप जुड़ रहे हैं। सीएनजी पंप यहाँ आगे 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 में जीएनबी मॉल ये आए हैं माल उतारने के लिए। और ये देखते हैं मॉल है यहाँ, इसके नीचे नहीं पड़ेगा। ये दोनों भैया आगे रख लो, दो वाला आगे कर ना, ये वाला आगे कर दो। ये साथ दिया है और तीसरा पिकअप आ चुका है, जा रहे हैं वहाँ लोड करने के लिए। और लोड करते हैं तो बताते हैं आपको। लोड करके निकल चुके हैं और गोन नगर पहुंच गए हैं। लोड करके जाना है हमें कड़कड़ डूबा पुष्पांजलि इनक्लेव, माल करना है वहाँ पे। कड़कड़ डूबा रोड, कड़कड़ डूबा पहुंच चुके हैं हम। कड़कड़ रूमा रेड लाइट है जगतपुरी की मार्बल मार्केट पूरी का। हम कृष्णा नगर की तरफ जा रहे हैं, गीता कॉलोनी इधर से निकलेंगे। पहुंच चुके हैं और माल उतार दिया है, अब निकल चुके हैं हम यहाँ से। ये आगे आपका चाचा नेहरू वाला रोड, हॉस्पिटल के रोड पे है चाचा नेहरू। आईएसबीटी कश्मीरी गेट पहुंच चुके हैं। हनुमान मंदिर वाला फ्लाईओवर आ चुका है, रेलवे ब्रिज। मेरी गेट आ चुके हैं, जा रहे हैं सन परमानंद हॉस्पिटल दवाई लाने। और ये आपका रट्टे वाला फ्लाई ओवर दिख रहा है आपको। माल रोड पहुंच चुके हैं, सन परमानंद हॉस्पिटल आने वाला है। और अभी यहाँ पे हमें दवाई लेनी है, उसके बाद निकलेंगे घर। आ ही गया है सन परमानंद हॉस्पिटल, सामने ही है हमारे। दवाई लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। पहुँच चुके हैं हम हॉस्पिटल। ये निकल चुके हैं और पसंद पहुँचे हुए हैं। अब जा रहे हैं सीधा पार्किंग।